नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि अभी जैसे वर्ड पैड में मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने QA, चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से वो दिखे। इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे RTY मैंने टाइप किया, उसके बाद मैंने किया देखो यू, लेकिन हो क्या रहा है 4। उसके बाद मैंने आई टाइप किया, हो रहा है 5। 6 टाइप किया, ठीक है, यहाँ पे 6 टाइप किया। उसके बाद पी टाइप करने के बाद स्टार आ रहा है नीचे। एल टाइप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, देखिए बराबर है, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये 7 है, 8 है, 9, 0। उसके बाद यहाँ पे UIOP, देखिए यहाँ पे ये ड्यूअल बटन्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए 7 एक वाइट में है, एक ऑरेंज में है, 8 भी यहाँ पे एक ऑरेंज में, एक वाइट में, 9 भी सेम वैसे यहाँ पे K, उसके बाद ऑरेंज में 2, ठीक है। यानी ये डुप्लेक्स बटन्स होते हैं, ये दोनों तरफ से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक स्विचेबल की होती है जो हमें दबानी होती है। जब तक हम वो प्रेस नहीं करते हैं तब तक वो स्विच नहीं होता है, वो स्विच बटन, ठीक है। तो इसे स्विच कैसे करना है, ठीक है। देखिए अब ये ऑरेंज में है, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी ऑरेंज में है, बराबर। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर जो हमारे फंक्शंस बटन होते हैं, जैसे F1 से लेके F12 तक, तो आप देख सकते हो इसके नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए F1 के नीचे यहाँ पे एक मून जैसा कोई सिंबल है, यहाँ पे भी एस्केप के यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक मून जैसा सिंबल है। सबके नीचे देखो ऑरेंज कलर की जितने भी आपको बटन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आपको स्विच करना है तो ये सब फंक्शन ये कीज होती है, ये सब क्या होती है, ये फंक्शन कीज होती है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। और अगर हम ये स्विच करना है, ठीक है, ये हमें चेंज करना है फंक्शन में, उस फंक्शन में जो कि ऑरेंज कलर में है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे एक FN करके बटन होता है, देख रहे हो आप ना, ये FN करके बटन होता है, ठीक है। तो आपको अगर ये स्विच करना है, देखिए अभी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आप देख रहे हो जैसे UIOP, JKL, उसके बाद ये M, उसके बाद यहाँ पे एक डॉट है, एक प्लस का साइन है, और ये जो बटन्स है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो फंक्शन बटन है इसको दबा के, इसको यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, इसको दबा के जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक नम लॉक करके आपको बटन दिखाई देगा, ठीक है, नम लॉक, ठीक है, ये जिसे हम न्यूमेरिकल लॉक कहते हैं, ठीक है। तो जब FN बटन दबा के हम ये न्यूमेरिकल लॉक बटन दबाएंगे तो आपका जो ये 7, 8, 9, 0, उसके बाद UIO, ये जो बटन्स है ये सब स्विच हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब हो जाएंगे, ठीक है, बस यही होंगे, ये जो आप देख रहे हो ना, 1, 2, 1 से लेके यहाँ पे 0 तक, और ये जो है इसे न्यूमेरिकल बटन्स कहा जाता है, ठीक है। तो इतने ही बटन्स ये जो है ये स्विच होने वाले हैं, ठीक है, थीके? और बाकी जो है ये आपको FN दबा कर आपको ये दबाना है तभी वो फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये दबा दिया है बटन, चलो अभी देखते हैं। जैसे मैं अभी U टाइप कर रहा हूँ, अभी भी वो न्यूमेरिकल पे, ये न्यूमेरिकल पे अभी सेट हो गया है, आप देख सकते हो ये न्यूमेरिकल पे ये क्या हो गया है, ये सेट हो गया है, देखिए बराबर। मैं यहाँ पे अल्फाबेट में टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नंबर टाइप हो रहे हैं, बराबर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, FN दबा के वापस से यहाँ पे देखिए ये दबा के मैं यहाँ पे जो नम लॉक न्यूमेरिकल लॉक जो बटन है उसको मैं दबा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ का LED जो है वो ऑफ हो गया,
तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, देखिए यू आई दिख रहा है, तो ये सब यहाँ पे प्रेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप कीज़ देख रहे हो एरो कीज़, तो एरो कीज़ पर आपको यहाँ पे ये साउंड डाउन, साउंड वैल्यूम डाउन का बटन है, उसके बाद ये वैल्यूम अप का बटन है, और ये ब्राइटनेस अप का बटन मतलब बढ़ाने के लिए, ब्राइटनेस कम करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो मैं कोई एक म्यूज़िक लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो कैसे मतलब साउंड कम ज़्यादा होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसमें कोई सिंपल म्यूज़िक भी नहीं है, चलो मैं देखता हूँ कोई म्यूज़िक है क्या इसमें, लेकिन मुझे कोई म्यूज़िक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ, मैं अभी ऑनलाइन यूट्यूब पर जाके कोई एक म्यूज़िक लगाता हूँ, तब आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी साउंड मैं अभी यहाँ से यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली प्रेस करता हूँ, देखते हैं अभी ये देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस भी आप देख सकते हो नहीं हो रहा है, नहीं होगा जब तक कि आप ये बटन नहीं दबाओगे FN बटन, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, मैंने FN फंक्शन मैंने बटन दबा के रखा है, देखिए अभी आवाज़ कम कर रहा हूँ, हो गया कम, बढ़ा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। तो अभी जो ब्राइटनेस है यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं बटन यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहा हूँ, देख रहे हो ये कम हो गया, बढ़ाता हूँ मैं वापस से, कम कर रहा हूँ मैं, हो गया कम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो स्विच है वो आपको वर्किंग में लाने होंगे, तभी वो अच्छे से मतलब आप काम कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है,
बस आपको एक FN बटन दबा के जो ऑरेंज आपको जितने भी यहाँ पे कीज दिख रही है, ठीक है, तो वो फंक्शन आप ऑपरेट आपको करने हैं, तो आपको ये फंक्शन बटन दबाने हैं। हाँ, और अगर गलती से यहाँ पे जो टाइप जो होता है, जो अलग टाइप होता है, तो इसके लिए आपको ये फंक्शन बटन दबा के नम लॉक बटन दबाना है, तभी ये आपका प्रॉपरली जो पहले वर्क करता था वही वर्क करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो मैंने बनाया था इसीलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल में मुझे इस बारे में बहुत सारे फ़ोन आए थे कि मतलब यही प्रॉब्लम के बारे में कि हम टाइप कुछ और कर रहे हैं और टाइप कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।